So how to memorize the macro names of macronutrients and micronutrients. Okay, so all total we have 17 elements, out of 9 is macro and 8 is micro elements. Okay, but sometime we face difficulties to remember the names of these all elements. Okay, so first of all, for macro elements, we are making some memory tips. That is, suppose this one is CHMNOPS. Okay, MNOPS or CH. लेकिन इसमें जो है C जो है ये दोनों चीज़ को बताते हैं, कैल्शियम एज वेल एज कार्बन. तो यहाँ पे क्या लिख दिया, CA. CA क्या होगा, दो बार आएगा. और MG दैट इज इज मैग्नीशियम. एंड P में दो बार होगा, वन विल बी फॉस्फोरस एंड अदर विल बी पोटासियम. ओके, फॉस्फोरस एंड पोटासियम, क्लियर. नाउ फॉर माइक्रो एलिमेंट्स वी आर राइटिंग बी सी आई एम एन जेड. ओके, सो यार बी फॉर बोरोन, सी फॉर, यहाँ पे जो सी के साथ जो एलिमेंट्स है दोनों है कॉपर एंड क्लोरीन, दोनों ही अलग अलग से स्टार्ट हो रहा है, सी ओ पी पी आर कॉपर सी एच एल ओ आर आई एन क्लोरीन. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी सी से स्टार्ट होगा, इसको हमने सी ए लिख के रख दिया. ठीक है, आई फॉर आयरन होगा, एम फॉर मॉलिब्डेनम एंड मैंगनीज, एन फॉर क्या होगा, निकेल, एंड जेड फॉर क्या होगा, जिंक. ओके, ये हो गया दो टाइप में डिविजन्स, कि कौन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, किसको स्मॉल अमाउंट में चाहिए. ठीक है ना, अदरवाइज इसको तो इस तरीका से याद रखें, सी ए एच एम जी एन ओ पी एस, स्टार मीन्स दो दो बार आएगा. और ये में बी सी आई एम एन जेड, इसमें भी एम में दो बार आएगा, एक होगा मॉलिब्डेनम, एक होता है मैंगनीज. ओके, और यहाँ पे एम जो है मैग्नीशियम. ठीक है, सिमिलरली और एक डिविजन्स होते हैं, मतलब एलिमेंट्स का वो डिविजन्स होते हैं कि क्या वो काम कर रहा है, क्या उसका फंक्शंस है. एस मतलब स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए, ई जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ई जो है यहाँ पे एंजाइम का जो एक्टिवेट कर सकते हैं उसको रेगुलेट कर सकते हैं, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर कर सकते हैं. इस तरीके से भी चार टाइप का एलिमेंट्स का नाम हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, क्लियर.